कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसी का एक उदाहरण देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के जालौन में, जहां का एक किसान केसर की खेती के कारण प्रसिद्ध हो रहा है। जालौन बुंदेलखंड इलाके में आता है। बुंदेलखंड में पानी की बहुत परेशानी रहती है और यहाँ के किसानों की बदहाली की कहानियाँ पूरा भारत जानता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। एक किसान ने ठान लिया कि तकदीर को बदलना है और अब उसकी मेहनत रंग लाई है, वो भी केसरिया। पूरी ऐसी है तो 15-16 किलो तो केसर निकली हुआ फूल जी, और टूट नहीं पाओ है, कभी टूट नहीं पाओ जी, और दाना भी निकला नहीं है जी। वैसे तो केसर यानी जाफरान की खेती अमूमन कश्मीर की ठंडी वादियों में होती है, लेकिन जालौन जिले के रहने वाले किसान रामबली सिंह ने 2 बीघा जमीन पर 35 लाख रुपए की केसर पैदा की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। रामबली सिंह ने बताया कि उनकी जमीन पर करीब 1.5 क्विंटल केसर पैदा हुई है। इस केसर को ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। केसर केसर हमने 20-25 किलो तो निकाल लिया होगा। 20-25 किलो 2 बीघा में जी, तो इसका मतलब लगभग मैं 12-13 लाख रुपए कीमत का ये केसर ही हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका बीज अलग है, बीज का क्या मूल्यांकन रहता है जी? बीज भी महंगा आता है, 40,000 रुपए किलो आता है। हम इसको राजस्थान से 40,000 में लेके आए थे जी। तो लगभग कितना बीज हुआ होगा इसमें? अब जी बीज इसमें लगभग 1.5 क्विंटल के लगभग हुआ होगा। दरअसल केसर के बीज थोड़ा महंगे होते हैं, इसलिए फसल उगाने की जो लागत है वो ज्यादा होती है। शुरुआती निवेश के बाद जब फसल तैयार होती है तो इसका मुनाफा लागत से करीब 30 से 35 गुना ज्यादा होता है। केसर के बीज करीब 40,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आते हैं। ऐसे में 2 बीघा जमीन में 1.5 किलो यानी 60,000 के बीजों की खपत हुई और 1.5 क्विंटल की पैदावार हुई। बिक्री से पहले इस केसर की गुणवत्ता को दिल्ली की स्टैंडर्ड एनालिटिकल लैब में जांच की जानी बाकी है, लेकिन जानकार बताते हैं कि फसल की कीमत 35 लाख से कम नहीं है। जानकारों का कहना है कि केसर की खेती आमतौर पर कश्मीर में की जाती है। बुंदेलखंड की जमीन पर केसर पैदा किया जा सकता है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विशेषज्ञों ने कहा कि अब इस पर और काम किए जाने की जरूरत है, ताकि इलाके के बाकी किसान भी इससे मुनाफा कमा सकें। अवगत कराया जी, और खेती बढ़ गया है जी, खर्चा और कुछ ज्यादा नहीं है, जहाँ में निराई गुड़ाई जी, और बीज को खर्चा ज्यादा है जी, बीज थोड़ा महंगो आओ तो 40,000 रुपए किलो आओ तो जी, और 1 बीघा में 1.25 किलो बीज लग जाएगा। अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद में जैसे ही मार्केट खुलेगी तो इसकी मंडी है खली बावली दिल्ली में है जी, और 1-2 जगह और है इसकी मंडी, तो वहाँ पर ले जाएंगे। इसकी लैब में टेस्टिंग होगी कि इसमें कितनी परसेंट अरक की मात्रा है जी, उसको टेस्ट कराने के बाद में लगभग इसकी कीमत होती है 60,000 से 65,000 रुपए पर किलो केसर की जी जी, तो उसके हिसाब से बेच। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन का कहना है कि बुंदेलखंड के किसानों की हालत सुधारने का ये अच्छा मौका है और सरकार को अब दूसरे किसानों को भी बीज और बाजार उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बुंदेलखंड की जो धरती किसानों की बेबसी की वजह से जानी जाती है, वो उनकी समृद्धि के लिए पहचानी जाएगी।